दोस्तों ये 15th सेंचुरी की बात करें, जबकि ये फोर्ट को, इस किले को बनाया गया था, तो उस टाइम पर निश्चित तौर पर राजस्थान में पानी की उतनी किल्लत नहीं थी। क्योंकि अगर मैं देखूं, ये स्नान कुंड है नहाने का, जो कि राजा रानी का कुंड है, सामने से ये पहाड़ों से, पर्वतों से जल आता था और जो आकर के यहाँ पर स्टोर हो जाता था। इसमें ये, क्योंकि वीआईपी लोग जो उस टाइम पे हुआ करते थे, जो महल के मेन लोग होते थे, उनका स्नान करे था उसके बाद में, तो देखिए यहां से आकर के सेकंड चैम्बर में पानी ट्रांसफर होता था, उसके बाद में ये जाता था यहां से और ये थर्ड चैम्बर में, और आगे जाकर के यहां से नाले से ये आगे की तरफ पानी बह जाता था दोस्तों। जबकि स्नान कुंड ये है इधर, जो हमने आपको 3 चैम्बर से भी दिखाया, ये पूरा स्नान कुंड दिखाया, उसके बिल्कुल बराबर में शंकर महादेव का मंदिर है, और इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर राजा रानी जब पूजा पाठ वगैरह उन्हें करना होता था, वो स्नान करके सीधे मंदिर में एंट्रेंस हो जाते थे। बहुत ही शानदार, अभी भी खंडित नहीं है, एज इट इज मूर्ति है, बहुत ही प्यारा। मैं कहूँ भानुगढ़ जरूर आएं और आकर के यहाँ के किले को जरूर देखें।